नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। और प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो लगातार हर एक दिन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। सरकारें इस मुद्दे पर सख्त तो हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाहियां बढ़ती जा रही है और अपराधी निरंकुश होते हुए नजर आते हैं। कभी बलात्कार, कभी नरसंहार और अब पेशाब कांड लोगों को दहला रहा है। आखिर और कितना शर्मसार होगा ये समाज, अब ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है और आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और स्पेशली उन सबसे सवाल पूछना बेहद जरूरी हो जाता है जो चुनाव के समय जनता से सुरक्षा की बात करते हैं और जिन पर आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है। क्या बुलडोजर भी ऐसे अपराधियों के हौसले नहीं तोड़ पाया? दरअसल मध्य प्रदेश का वो पेशाब कांड सबके जहन में होगा। वो पेशाब कांड इतना बड़ा कांड था कि उसने देश की राजनीति में राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक भूचाल ला दिया। जब एमपी में कुछ दिन पहले पेशाब कांड ने पूरे देश को हिलाकर रखा था, वो तस्वीरें भी जग जाहिर थी। लोग उस घटना को अभी भूल ही नहीं पाए थे कि अब यूपी के मेरठ से भी पेशाब कांड जैसा ही मामला सामने आया। जिसने ये मामला सुना, इसकी वीडियो देखी, उसकी रूह कांप गई। दरअसल मेरठ में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक 12वीं क्लास के छात्र को पीटा जा रहा है और पीटने के साथ साथ छात्र के मुंह पर पेशाब भी की जा रही है। और इन सब मामले के वीडियो भी कुछ ऐसे हैं जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये वाकई शर्मसार कर देने वाला वीडियो है। अब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आज इस मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसी घटना का वीडियो पहली बार सामने नहीं आ रहा है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं पर आखिर विराम कब लगेगा और सीएम के सख्त रवैये के बावजूद भी आखिर ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं? और आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। पेशाब कांड और इंसानियत शर्मसार, लगातार ऐसे वीडियो हम देख रहे हैं। मेरठ का पेशाब कांड वो सबको याद होगा। जब ये पेशाब कांड सुर्खियों में बना तो खुद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को अपने घर पर बुलाया, उसके पैर धुले, जिसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियो लगातार लोगों के जहन में है, लोगों को ये वीडियो बखूबी याद है। और अब यूपी से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। दरअसल मेरठ में एक छात्र के मुंह पर शराब, जहां एक तरफ शराब कांड हम सुनते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब मेरठ में पेशाब कांड की जो वीडियो है ये भी लगातार देखने को मिल रही है। और अब ये वीडियो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ प्रवक्ताओं को या कुछ दर्शकों को लगता होगा कि शायद ये चर्चा का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आज इस मसले पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो सामने आते हैं। जरा सोचिए उस छात्र का हाल क्या होगा जिसके साथ ऐसी घटना हुई। उस छात्र के पिता का साफ तौर पर एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बेटा इस वक्त डिप्रेशन में है, उनका बेटा अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। ऐसे में आज सवाल हमारा शासन से है, प्रशासन से है, और साथ ही अब उन विकृत मानसिकता वाले लोगों को सोचने की जरूरत है कि उनका एक एक्शन कुछ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी है, वही विवेक पांडे सपा प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही विशाल यादव बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत मैं शबनम पांडे जी से करना चाहूंगी। देखिए शबनम पांडे जी, आज ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, क्योंकि देखिए विकृत मानसिकता के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन प्रशासन पर आज सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार सीएम सख्त रुख अपनाए हैं। अपराधियों के खिलाफ लगातार उनका सख्त एक्शन देखने को मिलता है, सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है, फिर भी इतनी बड़ी हीला हवाली जो ऐसी वीडियो सामने आती है वो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। क्या एक्शन मिल रहा है शासन की तरफ से प्रशासन को? किया है छात्रों ने, वो भी 12वीं के छात्रों ने, 12वीं के छात्र के साथ। तो इस छोटी तरह की मानसिकता रखने वाले बच्चों को निश्चित तौर पे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पे कहते हैं कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है उस पर कानून की कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। और यही वजह है कि मैं शान से कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होती है। और आज उत्तर प्रदेश भारत का पहला प्रदेश है जो कार्रवाई करने में सबसे अव्वल है। इस कांड में भी अगर देखा जाए तो एफआईआर लॉन्च किया गया, मुख्य आरोपी गिरफ्त में है, अन्य आरोपियों की खोज की जा रही है और
एक मजबूत धाराओं के आईपीसी के मजबूत धाराओं के तहत धारा लगाई गई है उन पे, और उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये आपने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई को देखते हुए जनता ने भी समझा है, और शायद यही वजह है कि जनता ने हमें दोबारा सत्ता दिया है, क्योंकि जनता को ये मालूम है कि अगर कोई भी अपराध करता है, देखिए आपराधिक मानसिकता के लोगों को अपराध करने से रोका जा सकता है, और उसका एकमात्र तरीका यही है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून का राज है उत्तर प्रदेश में और देश में, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उन पे। और उसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ कि ये बख्शे नहीं जाएंगे। एक आरोपी पकड़ा जा चुका है और अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। ठीक है, विवेक पांडे जी, शबनम पांडे जी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है, लेकिन जब इस वीडियो को देखेंगे तो क्या महसूस होता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मुस्कान जी, बहुत एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने शुरुआती वक्तव्य में जो कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि इस विषय पे डिबेट क्यों, इस विषय पे डिबेट उठाने वाला प्राइम टीवी पहला चैनल है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। ये हमारे उस गुलामी और गुलाम भारत के एहसास की याद दिला रहा है। इस घटना के माध्यम से लोगों को एहसास हो रहा है कि कैसे जब भारत गुलाम हुआ करता था तो दलित का, पिछड़े वर्ग का, और उनका किस तरीके से शोषण किया जाता था वर्ग विशेष के माध्यम द्वारा। आप सोचिए कि क्या मानसिकता रही होगी जब उसको पीटने के बाद भी मन नहीं भरा तो उसके ऊपर पेशाब किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कृत्य करने वाले सजातीय थे। बुलडोजर उनके घर चलेगा कि नहीं, मैं तो इस इंतजार में बैठा हूं कि योगी जी कब आदेश देते हैं कि बुलडोजर चलाओ, क्योंकि वो योगी जी के सजातीय लोग थे। उससे बड़ी बात, अभी आदरणीय शबनम जी हमारी वरिष्ठ हैं, हमसे काफी परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, लेकिन अब उनका भी धर्म है भाई, भाजपा की प्रवक्ता बन के बैठी हैं, तो डैमेज कंट्रोल करना है। और कानून व्यवस्था की स्थिति का मतलब ये नहीं होता है कि आप कार्रवाई करेंगे, कानून के भय का मतलब ये होता है कि आप होश में हो, चाहे होश आपका ना हो आपके पास, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई ऐसा कृत्य किया जो कि विधि सम्मत नहीं है तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, और उसका भय होना चाहिए था। माफ कीजिएगा, मैं बड़े दुख के साथ स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार महिला बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, लगातार उनके साथ छेड़खानी हो रही है, लगातार अभी परसों एक ब्राह्मण लड़के को तालिबानी सजा दी गई, पेड़ से पीट करके इतना मारा गया कि उसका गाल सूज गया। मुझे लगता है कि आप भाजपा जो है वो अपने शासन में हो रहे इस कबीले राज्य की स्थापना को स्वीकार नहीं कर पा रही है। समस्या भी है, योगी जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए पहले योगी जी तय कर लें कि वो संत है, महंत है, या वो एक राजनेता है, क्योंकि अब उनके किसी भी वक्तव्य में एक संत वाली छवि मुझे नहीं दिखाई देती है। संत कभी झूठ नहीं कहता, संत कड़वे शब्द के आचरण को धारित करता है और जो सत्य है उसको सबके सामने कहता है। लेकिन योगी जी अब एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता बनते हुए लगातार अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश डीजीपी विहीन है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी विहीन है, आप सोचिए कि क्या कारण है कि जहां डीजीपी जैसे पद के लिए होड़ मची रहती थी अधिकारियों में, मीडिया कवर करते नहीं थकता था, आज कोई डीजीपी का दावेदार बनना नहीं चाहता, क्योंकि यूपीएसआई 2021 की भर्ती का भ्रष्टाचार और उसका कलंक कोई अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। सत्य तो यही है, और यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में आज शबनम जी बैठी है, मैं चुनौती देता हूं शबनम जी जाकर के किसी पिछड़े जिले में, बुंदेलखंड के किसी जिले में, प्रयागराज में, पूर्वांचल में किसी जिले में 12 बजे के बाद गहने लाद करके निकल ले और अकेले चल करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं शबनम जी को। ठीक है, ठीक है। देखिए लगातार हमारे साथ विशाल यादव जी भी जुड़े हैं। विशाल जी, जैसे कि शबनम, ठीक है शबनम जी आती हूँ, बस एक ओपनिंग रिमार्क चाहूंगी विशाल जी से। विशाल जी देखिए, लगातार शबनम जी जिक्र कर रही हैं कि यूपी में कानून का राज कायम है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब हर एक प्रदेश में फेमस हो रहा है, लेकिन क्या वाकई जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो आपको लगता है कि यूपी में कानून का राज है, जैसा कि जिक्र लगातार हर एक मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं? देखिए मुस्कान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए भाजपा की जिस भी राज्य में सरकार है वहां अपराध अपरंपार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या मणिपुर की बात हो। बीते दिनों आपने देखा किस तरह मध्य प्रदेश में एक दलित युवक के चेहरा पर पेशाब कर दिया गया और वही घटना को उत्तर प्रदेश में दोहराया गया।
तो कहीं ना कहीं भाजपा और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार इस काम को बढ़ावा दे रही है। किस तरह मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, हमारा कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां अपराध अपरंपार है। किस तरह एक बस कंडक्टर को गर्दन काट कर हत्या कर दी गई, और ये कहती है मोहतरमा की हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है। बुलडोजर केवल गरीब लोगों पर ही क्यों बरसता है? दो पक्षों के बीच बीते दिनों यूपी में लड़ाई हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी एक पक्ष से मिलने जाते और दूसरे पक्ष से नहीं मिलने जाते, ये कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न मुख्यमंत्री जी कराते। जिस जो सरकार खुद अपराध में लिप्त हो वो सरकार अपराध रोकने की बात करती तो हंसी आती है। किस तरह किसान आंदोलन के दौरान किसान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, ट्रक चढ़ा दिया गया। बीजेपी के एक एमपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, महिलाओं खिलाड़ियों पर अत्याचार किए। बीजेपी के एक एमपी है, बीजेपी लखीमपुर के विधायक है, जिन्होंने महिलाओं को अपराध और रेप किया। जो सरकार खुद रेप में संलिप्त है वो सरकार रेप को रोकेगी? ठीक है मानते हैं, जो ठीक है मानते हैं, अभी पांडे जी बैठी हुई बीजेपी के प्रवक्ता, उनको डैमेज कंट्रोल का काम है क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, लेकिन जो वास्तुता स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जो वास्तुता स्थिति है उत्तर प्रदेश को, उनको बताना पड़ेगा कि योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। योगी जी अपनी राजनीति के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं और उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं। वो चुनाव आता है भाजपा का तो भाजपा का स्टार प्रचारक बनकर दूसरे राज्य में जाते हैं और उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनता, उत्तर प्रदेश की युवा इस बार योगी जी को अनाथ छोड़ देगा चुनाव में आने दीजिए। ठीक है शबनम पांडे जी, दो सवाल आपसे होंगे। जैसा कि लगातार विशाल जी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी तो संभल नहीं रहा है और वो हर एक राज्यों में चुनावी प्रचार करने जाते हैं। दूसरा सवाल शबनम जी आपसे ये रहेगा कि आपने अभी ये जिक्र किया कि अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। जरा आप उस बच्चे का सोचिए जिसके ऊपर ये सब बीत रही है। आपको पता है कि उनके पिता की तरफ से एक बयान दिया गया है कि मेरा बच्चा इस वक्त डिप्रेशन में है। ऐसी कार्रवाइयों का क्या फायदा जो अपराध होने के बाद की जाए? देखिए इस बात को आप साफ तौर पे जानते हैं कि अगर कहीं अपराध होता है तभी अपराधियों पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हम किसी भी राह चलते व्यक्ति पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते अगर वो अपराधी नहीं है। ये सपा या बसपा का राज नहीं है या कांग्रेस का राज नहीं है कि किसी भी सामान्य से व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दो और झूठी उनपे अपराध का ये कर दो। जब तक अपराध नहीं होता, हमारी सरकार में कार्रवाई होती थी, आपकी सरकार तो दोषियों को बचाने का काम करती है। बात कर रहे थे हमारे सपा के साथी, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि आप किसी ऐसे दूर दराज में जेवर पहन के नहीं। मैं तो कहती हूँ सपा बसपा के समय में लखनऊ में कोई जेवर पहन के दिन के समय नहीं चल सकता था, लेकिन आज शाम से कहती हूँ कि महिलाएं रात में या बच्चियां रात में कोचिंग करके लौटती हैं और निर्भीक होके अपने घर और कोचिंग में जा रही हैं। भारत के पुलिस अधिकारियों पर भी कह दीजिए बार बार या प्रचार से लौटी है, ये शायद बीएचयू की घटना से वाकिफ नहीं है जहां दूसरी बार के बच्चों को छेड़ा गया। डायल 112 जो आपके ही कर्मचारी विशाल जी बड़ी शांति से धैर्य से बात सुनी है, धैर्य से सुनिए, आपकी भी बारी आएगी। दूसरी बात, अगर कोई अपराधी है तो उसमें धर्म और जाति का नाम लेना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप न्याय करने वालों के साथ अन्याय करते हैं। कोई भी अगर जाति धर्म का व्यक्ति अपराध करता है तो वो अपराधी कहलाता है, किसी के जाति का और किसी के धर्म का नहीं। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है ये पेशाब करने वाले लड़कों के खिलाफ तो उसमें जाति धर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। मानती हूँ कि सपा के समय में एक धर्म विशेष के लोग जब अपराध करते थे तो उनको छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी जाती थी ताकि उन अपराधियों को छोड़ दिया जाए। अगर कहते हैं ये गरीब है तो क्या मुख्तार अंसारी और तमाम ऐसे माफिया और अपराधी क्या गरीब हैं? अगर वो गरीब भी हैं और अपराध कर रहे हैं तो कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए और वही हमारी सरकार करती रही है। और इसका प्रमाण यही है कि देखिए अगर काम इन्होंने अच्छा किया होता ये दोबारा सरकार में आते, पर हम एक बार एक टर्म सत्ता में आने के बाद दोबारा आए क्योंकि जनता को विश्वास है कि यहाँ धर्म जाति गरीब अमीर देखकर कार्रवाई नहीं होती है। चाहे योजना का लाभ हो, अपराधियों पे कार्रवाई हो या प्रदेश को उन्नति के रास्ते में लाना हो, ये एकमात्र ध्येय
हमारे मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम की है, और मुख्यमंत्री जी संत हैं, इस पर बार बार कटाक्ष करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सनातन धर्म से इतना घृणा करते हैं कि इन्हें संत कभी संत नहीं दिखते, और हमारे तो गुरु परंपरा और गुरु राजधर्म को बताने वाले हुआ करते थे, ये तो रामायण महाभारत के समय से है। चलिए ठीक है शबनम जी, धर्म किसी और दिन चर्चा करते हैं। देखिए वैसे भी हमारे देश की जो राजनीति है उसकी धुरी धर्म ही रहा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। धर्म के इर्द गिर्द हमारी पूरी राजनीति घूमती है, लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार विवेक जी सवाल कर रहे हैं कि इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, क्या चलेगा क्या बुलडोजर इन अपराधियों के घर पर? क्या आप चाहती हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई हो या द्वेष के भावना से काम हो? अगर उनके घर पे बुलडोजर चलना न्याय सम्मत होगा तो निश्चित तौर पे चलेगा, इस पे कहीं भी कोई भी कोताही नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है, लोगों की जमीन कब्जा करके घर बनाया है, माफिया गिरी करा है, अपराध इस तरीके उनके घरों पे बुलडोजर चला है। पर अगर इन पीड़ित बच्चों का भी ये काम धंधा होगा कि लोगों की जमीन कब्जा करके अपना घर बनाते होंगे या अन्य और भी आपराधिक मामले में लिप्त होंगे, तो सभी पे काम होगा। लेकिन इस बात को मैं पूरे डंके के चोट से कहती हूँ कि हम अपराधियों को बचाते नहीं, अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई करते हैं। और इस मामले में भी मैंने आपको बताया कि जो मुख्य आरोपी है वो शिकंजे में है और कड़ी धाराओं के तहत उनपे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, विशाल कुमार यादव जी बताइए, आप बहुत लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अब आपकी टर्न है, बोलिए। साथ खड़े हैं। देखिए मैंने अभी शबनम जी की बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। शबनम जी ने बोला कि हमारी सरकार जाति आधारित फैसला नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में दो पक्षों में लड़ाई हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री किसी एक पक्ष से मिले जाते हैं और दूसरे पक्ष के घर पे घर देखने तक नहीं जाते हैं, तो क्या जाति आधारित फैसला नहीं है तो और क्या है? फिर शबनम जी ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक राजनीति नहीं करती, तो धार्मिक फैसला नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से ये कहा है कि 80 और 20 की बात, 100 और 80 की बात, 100 का बात है 80 हमारा और 20 में बंटवारा है, तो कहीं ना कहीं धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो धार्मिक बात अब कहां नहीं करती है? जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करता है, तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? फिर शबनम जी ने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों को नहीं बचाती है, तो क्यों नहीं आज गोंडा के सांसद पे कार्रवाई हो जा रहा है? क्यों नहीं आज हथरस के बेटी को न्याय मिल जा रहा है? क्यों आपके दोषी आरोपियों को आपने अपने अपने पार्टी में एमपी और एमएलए बनाकर रखी हुई है? उनको कब से सत्ता से बर्खास्त करेंगे? उनको कब से अपनी पार्टी से निकालेगा? किस तरह ये लोग भाजपा वाले अपनी कला के आर्य को नहीं दिखाते, चाहे वो सांसद ब्रजभूषण सिंह हो या लखीमपुर खीर के विधायक हो, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पे अपराध करता है और इसमें लोग चुप रहते हैं। विशाल जी, तो मुख्यमंत्री खुद मंच से बोलते हैं, बार बार ब्रजभूषण सिंह का नाम मत दीजिए, प्लीज आप इस मुद्दे पर रहिए। लेकिन देखिए विवेक पांडे जी, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी, शबनम पांडे जी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो न्याय संगत होगा वही किया जाएगा, अगर न्याय संगत हुआ बुलडोजर चलना तो बुलडोजर भी चलेगा। अगर आरोपी का नाम नहीं लिया जाए तो क्या लिया जाएगा? विवेक जी, आरोपी का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? शबनम जी कबूल करें क्या बुलडोजर नहीं है? ठीक है विशाल जी, वापस आऊंगी। विवेक जी, लखीमपुर खीर का विधायक आरोपी है कि नहीं है? ठीक है विवेक जी, जी शबनम जी साफ तौर पर कह रही है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी मांग समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल मिलकर उठा रहे हैं, अगर न्याय संगत हुई तो होगी, क्योंकि पहले बुलडोजर की कार्रवाई उनके मुताबिक जो भी हुई है वो न्याय के हिसाब से हुई है। मैं तो यही सवाल उठा रहा हूँ कि जो देवरिया में हुआ था वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई में इतनी तत्परता प्रशासन क्यों दिखा रहा था? अगर न्यायालय वहां पे हस्तक्षेप नहीं करता या न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होता समय से वकीलों के माध्यम से, तब तो ये बुलडोजर चलवा चुके थे, क्योंकि वहां पे इनके एक बहुत ही विद्वान जो वहां के विधायक हैं वो काफी राजनीति कर रहे थे उस विषय को लेकर के, और उनकी राजनीति को चमकाने का एक अवसर था जिसको लक्षित वो कर नहीं पाए। वो तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद है कि वो आए दिन योगी सरकार को कभी ना कभी तमाचे देती रहती है, लेकिन योगी सरकार के साथ समस्या ये उधर सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। आप मुझे एक बात बताइए मुस्कान जी, एक जिम्मेदार संस्था में डीजीपी नहीं है, नेतृत्व ही नहीं है,
पुलिस की प्रक्रिया जो है वहां पे प्रासंगिक रूप से देखिए तो वो मनमाने तरीके से काम कर रही है। आए दिन सोशल मीडिया से लेकर के आपके पत्रकार और न जाने कितने रिपोर्टर इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगे हैं कि कहीं वसूली हो रही है, कहीं अवैध खनन हो रहा है, कहीं पीड़ित को ही अति पीड़ित कर दिया गया, कहीं थर्ड डिग्री टॉर्चर दे दिया गया। परसों की बात मैं बता रहा हूँ, परसों एक महानगर लखनऊ में ब्राह्मण परिवार के कुछ सदस्यों ने कि कुछ पूर्व हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर चोरी कर ली। चलिए ठीक, मैं कहता हूं कि आपने चोरी की, आप कार्रवाई करिए, पकड़िए और उसको जेल में डालिए, उसका एनकाउंटर आपको लगता है कि एनकाउंटर समाधान है, एनकाउंटर करिए। लेकिन चूंकि वो आरोपी भागा हुआ था, उसके पिता को ले जाकर के पीड़ित मतलब बाकायदा उसको पीटा गया है, थर्ड डिग्री दी गई है, लगातार फोन के उसके फोन से लगातार पुलिस वाले फोन करके उनको उसको लड़के को हाजिर करने की बात कर रहे थे। मुझे बताइए, कोई अगर किसी के परिवार का एक अपराधी निकल गया तो पूरे परिवार को सजा दी जाएगी उसकी? इस आधार पे तो मुझे लगता है कि भाजपा के आधे नेताओं के परिवार जेल में होने चाहिए। ठीक है भाई, जिन लोगों ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं उनके सारे के सबके सब परिवार जेल में होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है राजनीतिक द्वंद्वता, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता को ये जो कांड बच्चे के साथ हुआ है उसके अंदर तक इतना सहम गया है वो बच्चा इतना डरा है कि वो बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। शबनम जी, ठीक है, मैं आपको टर्न दूंगी, लेकिन शबनम जी आपने कहा कानून का राज कायम है। कौशाम्बी में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो पुलिस से शिकायत करके वापस आती है कि दबंग उस पर प्रेशर कर रहे हैं कि मुकदमा वापस ले, उसको उसकी भाभी के सामने परिजनों के सामने कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। फिर आप कह रही है कानून का राज कायम है, अगर ये कानून का राज कायम है तो फिर जंगल राज किसे कहा जाए? शबनम जी, ये कबीला राज है। निश्चित तौर पे अगर कोई अपराध होता है और उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करे, जैसे प्रजापति ने रेप किया और उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, उसके अगेंस्ट एफआईआर होता है, नहीं मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा, ये सरासर झूठ बोल रही है सामने बैठ करके। सिंगर के मामले में सामने देखा कि कैसे पीड़िता के परिवार को खत्म कर दिया गया और लगातार मौका दिया भाजपा सरकार ने उसको बचने का, जिसकी सीबीआई ने संस्तुति की और इन्हीं के जो इस समय आईजी है उन्होंने किस तरह से मीडिया में झूठ कहा था कि उस बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ था, वो सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की। वो जंगल राज कहलाता है, पर जंगल राज ये नहीं कहलाता कि अगर कोई अपराध करे और पर सरकार के पुलिस या विभाग कार्रवाई करे तो उसे जंगल राज नहीं, उसे न्याय दिलाना होता है। देखिए, अभी आपने देखा कि हमारे पैनल में बैठे एक साथी 80 और 20 की बात करते हैं, मानसिकता तो देखिए इनकी, ये 80 और 20 में भी हिंदू मुसलमान देखते हैं। 80 वो हैं जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया, 20 वो हैं जिन्होंने हम पे विश्वास नहीं दिखाया। इसमें धर्म कहाँ आती है और जाति कहाँ? लेकिन देखिए ये मानसिकता रही है विपक्षी पार्टियों की, और किस इस आपको साफ तौर पे दिख रहा है। इस प्रकरण पे मैंने पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी दी कि कौन पकड़ा गया और कौन नहीं पकड़ा गया, लेकिन कोई भी विपक्षी दल का नेता जो चैनल पे बैठा है उन्होंने इस प्रकरण पे एक शब्द नहीं बोला, इधर उधर की बातें करते रहे। निश्चित तौर पे उस पिता पे क्या बीतता है जब उसके बच्चे के साथ इस तरीके का होता, और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं की होती तो समझिए ये कितनी शर्मनाक बात है। हमारी पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं करती, अगर शायद नहीं कार्रवाई होती तो मैं इस चैनल पे कहती कि कार्रवाई जी सवाल उठेंगे डैमेज कंट्रोल के, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही वाकया था जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया था घर पर, पांव पूजे थे तो भी उसे डैमेज कंट्रोल कहा गया था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पे अगर पिछली सरकारें दंगा कराती थी और हम भी दंगा कराते और कहते दंगा नहीं हो रहा तो डैमेज कंट्रोल होता है, लेकिन अगर दंगा कराती थी, बॉम्ब ब्लास्ट कराती थी और हमने उसको रोका, डकैती 16% से कम हुआ है अभी। अरे शबनम जी, डकैती चोरी ये सब छोड़िए ना, जो कांड है उस पे रहिए, जो मुद्दा है उस पे रहिए ना। सीधा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने बैलेंस किया, यहाँ भी आप बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। उस कांड के बारे में साफ तौर पे मैंने कहा मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है और कड़ी धाराओं में आईपीसी के उसे गिरफ्तार किया गया है। अब जो कानूनी कार्रवाई है वो ऊपर हो रहा है। एमपी में चुनाव नहीं होता तो कोई भी काम नहीं होता, जो बचाव मुख्यमंत्री जो वहां भी नहीं जाते उनको भी नहीं बुलाते, तो फिर यहां भी चुनाव होता तो होता, चुनाव नहीं इसमें नहीं हो रहा। टिप्पणी करूं तो आप बताइए क्या टिप्पणी करूं? ऐसा तो है नहीं कि मनगढ़ंत कोई टिप्पणी, जो हकीकत है वो कर रही हूं। मैं इधर उधर की किसी भी प्रकरण की चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आप आज बहस करा रही हैं, और इस संवेदनशील मुद्दे पे मैं जाति धर्म की बात एक बार भी नहीं करना चाहती, पर हमारे साथ बैठे साथी कर रहे हैं तो मुझे उसकी सफाई देना मुझे भी जरूरी है, क्योंकि जनता जानती है कि ये सरकार
निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती है और कार्रवाई हो रही है, इस पर कहीं भी हीला हवाली नहीं। जो भी अगर कार्रवाई करने में हीला हवाली करते भी है तो आपने देखा है समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई करते हैं। तो ये होता है कि जब रामराज होता है तो ऐसे ऐसा नहीं है कि रामराज के समय अपराध नहीं होता था, बंदी गृह था उस समय तो अपराध उस समय भी होता था, पर कार्रवाई होना ही रामराज होता है कि हम अपराधियों पे निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें। पर जिस तरीके का जंगल बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए कि पहले अपराध का हम इंतजार करें कि अपराध हो जाए फिर उसके बाद कार्रवाई कर दी जाए। देखिए ये चलिए ये आपने आपने इस मामले को लेके कहा कि पहली बार कोई ऐसा मामला संज्ञान में आया, कार्रवाई हो रही है। जरा जब बलात्कार होते हैं बच्चों के साथ, जब बीच सड़क पर उनको मारा जाता है, तब क्या वो पहला अपराध होता है क्या शंकर जी? मुझे ये बताइए कौन सी मशीन आपके पास है जो ये बता दे कि वो छात्र उसके ऊपर पेशाब करने जा रहा था। शबनम जी मैंने क्या कहा कि चलिए इस मसले पर तो आपने कह दिया कि ये अपराध जैसे संज्ञान में आया तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन जैसा कि आप लगातार इसमें महिलाओं के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, बलात्कार के आंकड़े विवेक जी अभी आपने दिखाए थे कि किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, वो कोई नया मामला नहीं है शबनम जी। मुझे लगता है मेरे साथी इस बात का को कभी भी पढ़ नहीं रहे कि किस तरीके से बलात्कार के मामले 6 महीने 2 महीने में उस पर निर्णय आ रहा है कोर्ट पे, इतनी जोरदार पैरवी सरकार कर रही है, चार्जशीट समय पे सबमिट कर रही है। ये महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है कि मुस्कान जी पहले ऐसा होता था कि अगर सरकारी वकील चयनित करते हैं जब तक वो काम करना शुरू करते हैं, इनके आरएसएस के लोग लिस्ट बदल करके उसमें आधे लोगों को बाहर कर देते हैं, दूसरों को बैठा देते हैं। इनके सरकारी वकीलों की जो नियुक्तियां हुई है वो केवल और केवल एक दूसरे के प्रभाव के आधार पर की गई है, जो जितना करीबी वो उतने रसूद दर पोस्ट पे भेजा गया है। सरकारी अधिवक्ताओं में जिन अधिवक्ताओं को एक सवाल बस मैं शबनम जी से लूंगी, फिर सीधा मैं विशाल कुमार यादव जी आपका रुख करूंगी। शबनम जी लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर आपकी माने तो ये कोशिश कर रही है कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और सुधरे, और उससे ज्यादा यूपी की छवि को सुधारने के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो सामने आएंगे तो वैश्विक स्तर पर क्या छवि जाएगी यूपी की? जो बाकी विदेशों में बैठे लोग हैं जब वो ये देखेंगे कि यूपी के मेरठ में ये हो रहा है तो सोचिए वो क्या सोचेंगे यूपी के बारे में। देखिए जो इस वीडियो को देखेगा वो ये भी देखेगा कि सरकार क्या कर रही है। जो पहले देखा करते थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था, दंगे हो जाते थे, रेप हो जाते थे और सरकार उसको मंच में लेके बगल में बैठे तालियां बजाती थी, मुख्यमंत्री तालियां बजाते थे, वो वाली सरकार पुरानी बातों को याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही है बताइए, उनको लेने दीजिए। जैसे जनता ने यूपी में निर्णय लिया, भाग करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहां जाके प्रचार करते हैं, जनता मुख्यमंत्री एनडीए जी का इस्तीफा भाग कर ले नहीं पा रही है, यूपी में राम राज्य चल रहा है जहां पे महिलाओं का जीवन ले नहीं पा रही है, उसको बताते हैं राम राज्य। अगर इनका रामराज्य यही है तो माफ कीजिएगा, इन्होंने कलयुग की रामायण पढ़ी होगी, सतयुग त्रेता द्वापर के अध्यायों को इनके का ज्ञान नहीं है इनके लोगों को अभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है ठीक है। शबनम जी आती हो लेकिन देखिए लगातार एक बहुत लंबे समय से विशाल यादव जी हमारे इंतजार कर रहे। विशाल जी, शबनम जी साफ तौर पर कह रही है कि ये रामराज्य है, रामराज्य में अगर अपराध होते हैं तो एक्शन लिए जाते हैं, क्या रामराज्य की परिकल्पना आपके हिसाब से ऐसी होती है क्या कि क्या रामराज्य ऐसा होता है? देखिए भाजपा वाले प्रभु श्री राम के नाम को कितनी बार बेचेंगे या भाजपा से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। राम जी की नाम को बेचकर अपराध में बनाना ये भाजपा वालों की आदत हो चुकी है। आपने कुछ देर पहले बोला मुस्कान जी कि क्या मध्य प्रदेश की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में भी उनके पैर धोएंगे? तो नहीं धोएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव था तब मामा की सरकार ने उनको करने का, अगर चुनाव नहीं होता तो मामा जी भी नहीं करते। यहाँ भी यूपी में चुनाव नहीं है, योगी जी नहीं करेंगे। योगी जी राजस्थान में जाकर और कन्हैया लाल की हत्या की बात करते हैं, कन्हैया लाल की हत्या में सरकार हमारी सरकार 7 दिन में दोषियों को पकड़ी और दोषियों पर कार्रवाई करने का काम किया, लेकिन आपकी सरकार की तुष्टिकरण नीतियों के कारण वो केस एनआईए का गया और एनआईए ने आज लटका हुआ। क्यों आज आपने उनको सजा नहीं दिलाने का काम कर रही? और वो था कौन? एबीवीपी से जुड़ा हुआ लड़का था। लेकिन माननीय योगी, अरे क्यों हम कन्हैया लाल पे जा रहे हैं इस तरीके से बात करें तो हरियाणा के बहुत ऐसे कांड जो बहुत ऐसे अपराध है जिसने लोगों को झकझोरा है, तो प्लीज हर एक मुख्यमंत्री अगर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगर राजस्थान
की बात करता है तो आपको हमको तो दूसरा पड़ता है, तो राजस्थान की बात तो हमें भी करनी होगी। चुनाव में मुख्यमंत्री जी राजस्थान के आंसू बहाते तो क्यों नहीं आया, जिनके आंसू बहाते जिनके मुख्यमंत्री जी वोट में राजस्थान में जाकर आंसू बहाते हमारी सरकार ये है। और आपकी सरकार कुछ नहीं की, अशोक गहलोत की सरकार ने 7 दिन में दोषियों पर कार्रवाई करने का काम की, लेकिन भाजपा जेल तेल पड़ा लगा के सजा नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि दोषी जो मुख्य आरोपी एबीवीपी से जुड़ा हुआ था, और एबीवीपी किस चीज के लिए काम करता है, जब जाहिर है किस पार्टी के लिए एबीवीपी काम करता है, जाहिर है कैसी कार्रवाई करते हैं, छात्र बिंद का आरोपी और जनता जनता ने नहीं जाहिर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करने वाले नहीं है, यूपी भाई अगर आपको ये कुछ ये दूसरे राज्यों में चुनाव तो पीछे कारण मोदी जी को ये तो इसमें लगे हुए उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की क्राइम किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह कुछ दिन पहले ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण साथी पर हमला हुआ, उनको मार पीटा खाना पीटा गया, इस पर जो कुछ चलिए ठीक है अपराधों को छुपाया जाता है, लेकिन देखिए राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश जाएंगे किसी और दिन, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर रहते हैं जो कि गंभीर और बड़ा मुद्दा है। इस पर मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज आगे राजनीति ना की जाए। देखिए शबनम जी आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं एक वो बयान पढ़ के सुनाती हूँ जो पीड़ित के पिता की तरफ से दिया गया है। मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया है, वो कुछ खा नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, गुमशुदा उदास बैठा रहता है, पुलिस ने तहरीर से भी छेड़छाड़ की है, मामले में हल्की धाराएं लगाई गई जबकि हमने 16 नवंबर को ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ऐसा मेरठ में हुए पेशाब कांड के पीड़ित छात्र के पिता का कहना है। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो पुलिस वाले हीला हवाली कर रहे हैं इस मामले में भी, जैसा कि पीड़ित के पिता ने कहा कि उनके रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई, इन पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी? आप अपराधियों को पकड़ लेंगे जिनके ऊपर अपराध को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, अगर वो ऐसा बर्ताव करेंगे तो आखिर इन पुलिसकर्मियों पर एक्शन कब होगा? शबनम जी देखिए गंभीर धाराओं के तहत उन पे कार्रवाई हो रही है, और मैं आपको बार बार आश्वस्त कर रही हूँ। अरे शबनम जी जो अपराधी पुलिसकर्मी है मैं उनका पूछ रही हूँ, उन पर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि इसमें पीड़ित के पिता का साफ तौर पर कहना है कि हल्की फुल्की धाराएं लगा दी गई थी बस। आप अपराधियों पर तो कार्रवाई करेंगे ही, लाजमी है कि उस पर जिम्मेदारी है, लेकिन जो प्रशासनिक अमले में आपके लापरवाह अधिकारी है उनका क्या, उन पर नकेल कब कसी जाएगी? देखिए जब तक वो कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्त में ले रहे हैं और कार्रवाई संतोषजनक है, उस अपराध के को अपराधियों के खिलाफ जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने संगत है, तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कार्रवाई कर रही है पुलिस, लेकिन अगर पुलिस कहीं हीला हवाली करती है तो आपने भविष्य में देखा है तमाम ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। शबनम जी फिलहाल भविष्य तो किसी ने नहीं देखा होता, जैसा कि आपने जिक्र किया, भविष्य तो पता चलेगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन देखिए विवेक जी कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, पूरी सुन लीजिए। ठीक है बोलिए शबनम जी। निश्चित तौर पे पीड़ित के पिता ऐसे संवेदनशील मामले में पीड़ित के पिता की क्या हालत होगी, उनके साथ हमारी संवेदना है, लेकिन इतना मैं उन्हें भी आश्वस्त करती हूँ कि इस सरकार में उन्हें न्याय मिलेगा और उनके साथ कहीं से भी उनके बेटे के आरोपियों के साथ कोई भी खड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो अपराधियों के साथ खड़ा होता है उसका क्या हश्र करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, देखिए विवेक पांडे जी कल से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, क्या शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो मुद्दा है जो लगातार चल रहा है इसे आप उठाएंगे सरकार के सामने? सबसे पहले तो मैं आपको अब शबनम जी का झूठ उजागर कर देता हूँ। ठीक है करिए। देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ध्वस्तीकरण का सबसे बड़ा जिम्मेदार और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ FIR का ऑनलाइन ना होना। जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस ढोल पीटती है कि ऑनलाइन FIR की व्यवस्था है, उसमें केवल आप अज्ञात गैर नामजद और गुमशुदगी और ज्यादातर उसमें गुम जाने गिर जाने खो जाने दस्तावेज सिम पर्स आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस शेयर बॉन्ड हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स इसी तरह की आप कंप्लेन शिकायत कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी है उनकी शिकायत आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब थाने में कोई जाता है किसी की शिकायत लेकर के और वो वहां का रसूखदार होता है तो वहां के जो कारखास होते हैं वो पीड़ित को अति पीड़ित करने का कार्य करते हैं। कई बार देखा गया है कि पीड़ित को जेल में भी डाल दिया गया है बिठा दिया गया है। दूसरी बात अभी कुछ दिन पहले
उत्तर प्रदेश में कैसे न्याय संतुलन है उसको भी समझ लीजिए आप। कुछ दिन पहले अभी एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी लखनऊ की, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो बताइएगा, डीसीपी का जो बेटा सुबह जो वो सीखते समय स्केटिंग करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों बच्चों के ऊपर 304 की धारा जैसी गंभीर धाराएं लगा के उनको जेल भेज दिया जाता है तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके। लेकिन इसी प्रकरण में मैं आपको मुस्कान जी बताऊं, हमारा एक अधिवक्ता साथी सुमित सोनकर वेव के सामने ऐसी ही घटना का शिकार हुआ, गाड़ी पीछे से उड़ा करके उसको चली गई, मौके पे उसकी मौत होती है, उसको लोहिया ले गए, वहां से उसको केजीएमयू शिफ्ट किया गया लेकिन वहां उसको मृत घोषित किया गया। पुलिस आज तक न गाड़ी पकड़ पाई और ना पुलिस ने तत्परता दिखाई उसको पकड़ने की। तो न्याय उत्तर प्रदेश में मिलता है रसूख देख करके। ठीक है, चलिए, न्याय रसूख देख कर मिलता है, लेकिन सवाल मेरा विवेक जी आपसे ये था कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाए जाएंगे? क्या सत्ता पक्ष आप सदन के अंदर ये सवाल पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मैं सदन के अंदर सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि सदन केवल 2 दिन के लिए क्यों चलेगा 15 दिन की जगह? क्या 2 दिन इसलिए चलेगा कि योगी आदित्यनाथ और उनके जो उत्तर प्रदेश के विधायक है वो दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता की मूलभूत समस्याएं वो हाशिए पर रख दी जाएंगी? 2 दिन का सदन सरकार क्यों चलाने जा रही है पहले इसका जवाब दे दे शबनम पांडे। क्या सदन 2 दिन के लिए संचालित किया जाता है? अरे क्या जनता के टैक्स के पैसे से भाजपा प्रचार कर चुकी है? लेकिन जब सदन के अंदर आपको मौका मिलेगा तो ये मुद्दा उठाएंगे, बस मैं ये जवाब चाहती हूँ अब आपसे। हम सदन के अंदर हर वो मुद्दा उठाएंगे जो पीडीए से जुड़ा होगा और ये पीडीए का सबसे गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ की कमजोर मानसिकता और एक रूढ़िवादी पारंपरिक मानसिकता उजागर हुई है। अगर योगी आदित्यनाथ वाकई निष्पक्ष है तो बुलडोजर चलवा के दिखाएं, जैसे वो छोटे मामलों में हल्के मामलों में विपक्ष के ऊपर बुलडोजर खड़ा कर देते हैं। मैं चुनौती देता हूं शबनम पांडे जी को भी, इन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की। एक साक्षी तिवारी नाम की लड़की है, वो लगातार अपने साथ हुए अपराध के लिए, बलात्कार के लिए उसको मार के जंगल में जहर खिलाकर फेंक दिया गया, वो लगातार सोशल मीडिया पे गुहार लगा रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, राजनीतिक लक्ष्यों की आड़ में ये इतना संवेदनशील हो चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश को बताते हैं कि राम राज्य कायम है। अगर राम राज्य में कैंपस के अंदर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी घटनाएं अगर मान्य है तो मुझे लगता है कि इनको अभी शास्त्र वेद पढ़ने की आवश्यकता है। कानपुर में जिस तरह से एक मेडिकल छात्रा के साथ उसका शव बरामद हुआ और छत विजित अवस्था में मिला, अगर उसको ये एक महिला होते हुए मानती है कि राम राज्य है तो मुझे इनकी सोच पे संदेह है। मुझे लगता है इनको पढ़ना चाहिए, इनको समझना होगा कि राम राज्य की परिकल्पना केवल राजनीतिक ढोल पीटने से नहीं होती। जिस देश में, जिस राज्य में, उत्तर प्रदेश में जहां पे आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य के निधन पे एक राष्ट्रीय शोक नहीं होता है, वहां ये सनातन के को बचाने की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, सनातन इनके लिए एक ब्रांड हो गए, राम इनके लिए एक ब्रांड है, प्रोडक्ट हो चुके हैं जिसका इस्तेमाल केवल ये चुनाव में वोट मांगने के लिए। ठीक है, प्लीज विवेक जी, ठीक है। विशाल कुमार यादव जी, राम राज का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं लेकिन ये जो वीडियो लगातार हम वो पूरा दिखा भी नहीं पा रहे क्योंकि किस तरीके से इंसानियत शर्मसार हुई है इस वीडियो के जरिए हम समझ सकते हैं। चूंकि ये वीडियो इतना ज्यादा यूं कहे कि खौफनाक है कि ये हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शक देखें और ये जाने कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता विशाल की लगातार ये कहा जा रहा है कि ये विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्यों हमारा कानून आपको नहीं लगता कि कमजोर होता जा रहा है? देखिए सपना, देखिए मुस्कान जी, केवल विकृत मानसिकता बोलकर सरकार अपनी पलड़ा झाड़ रही, केवल ये बात कह देना कि ये काम केवल विकृत मानसिकता के लोग कर रहे हैं, सरकार इसमें क्या कर सकती है, तो सरकार की कहीं ना कहीं विफलताएं हैं। आज पीड़ित का पिताजी किस पीड़ित का पिता किस तरह बयान देते कि हमारे बच्चे उदास है, व्यस्त है, उदास है, तो किसी ना किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। सरकार चुपचाप बैठी, सरकार को केवल चुनाव से मतलब है। योगी जी केवल अन्य राज्यों में चुनाव में जाते हैं, उनको उत्तर प्रदेश संभाल नहीं रहा, उत्तर प्रदेश को समय देने का काम नहीं कर रहे। और सपनम जी बैठ कर करके रामराज सरकार, अगर आपकी रामराज जैसी तो हम नहीं चाहिए रामराज, माफी क्षमा चाहते हैं आप इस रामराज की सरकार से, जिस रामराज की सरकार में एक महिला के रेप हो जाता है और आप बतौर महिला कह रही कि रामराज है तो नहीं चाहिए साहब आपकी रामराज को दूर से नमस्कार। ठीक है, एक बस कंडक्टर को गर्दन काट कर हत्या कर देती है और ये रामराज है तो आपके रामराज को दूर से नमस्कार। अगर इस तरह घटनाएं होती और रामराज आप कहते तो रामराज की कहीं ना कहीं आप भगवान प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। भाजपा केवल राम का नाम लेकर अपमान करने का काम कर रहे और ये कह देना कि ये तो नटखड़े लोगों का काम है, ये मनछड़े लोगों का काम है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी पलड़ा झाड़ने का काम कर रही है क्योंकि सरकार से तो कुछ हो नहीं रहा है, सरकार तो चुनाव में व्यस्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उत्तर प्रदेश में कितने समय देती है तो सब कुछ जानता है, 5 राज्यों में चुनाव, मुख्यमंत्री तो उन 5 राज्यों में बिजी है, उत्तर प्रदेश तो बिजी है नहीं, उत्तर प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है।
बिल्कुल केवल इस तरह का बात कह देना कि ऐसा हो रहा है, हम सरकार कार्रवाई करता, आप क्या कार्रवाई की भाई? दूसरे राज्य में घटना होती है, वो घटना आपके राज्य में प्रदर्शित किया जाता है तो सरकार चुप रहती है, तो कहीं ना कहीं समझते कि कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि सरकार के इशारे में काम किया जा रहा है। ठीक है शबनम जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। देखिए जितने आरोप ये लगाते हैं उतना निराधार है। कहते हैं बुलडोजर चलने पे इन्हें लगता है कि छोटे मोटे प्रकरण में, अब क्या माफिया जो कि हजार करोड़ की, जिनकी कई हजार करोड़ की संपत्ति जब्त करती है, वो माफिया इन्हें छोटे बड़े लगते हैं? इसीलिए माफियाओं को अपने कंधे पर रखकर ये लोग साम्राज्य चला रहे थे उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश को लूटने का काम कर रहे थे। जितने भी अपराधी थे वो खुली सड़कों पे आराम से घूमा करते थे या मंत्रियों के साथ उठा बैठा करते थे, और उन पर जब कार्रवाई होती है तो नहीं, ये छोटी मोटी कार्रवाई, जनता के जमीन होगा कि नहीं होगा, बुलडोजर करते थे तो पेशाब कांड वाले पर बुलडोजर कांड होगा कि नहीं होगा, सबनम जी बता देगा कि मुख्यमंत्री के घर के सामने हो जाता था तो ये ना छोटी मोटी बातें दिखती है। लोग जनता के खिलाफत करने वाले हैं उन्हें ये सरकार कभी नहीं रास आएगी, पर जनता को ये सरकार रास आई है। पेशाब कांड पर बुलडोजर कांड होगा, सरकार निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही है, जनता समझती है चाहे वो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे पता है कि उसके उसके खिलाफ कोई अपराध होता है तो सरकार न्याय देने में हीला हवाली नहीं करती है, पर जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उन्हें, अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो उन्हें पीड़ा होती है। ये आप लगातार जब से अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, आप इन लोगों के हर डिबेट में ये बयान सुन सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उससे परेशान है कि सरकार, लेकिन एक भी ऐसा प्रकरण बताइए जिसमें कि सरकार ने बुलडोजर से घर गिराया हो और सरकार कटघरे में कोर्ट में खड़ी हो। इसका उल्टा निकाय चुनाव में हमारे पार्टी के एक बहुत जुझारू कार्यकर्ता मोनू दुबे के घर के बाहर की सड़क क्यों खड़ी गई थी, जो कि सालों साल से वहीं पे बनी हुई थी, विपक्षियों को बताइए हमारे पार्टी की महिला कार्यकर्ता का की हरण क्यों किया गया था? डीसीपी के बेटे के का जो एक्सीडेंट हुआ जिस गाड़ी से, उन दोनों बच्चों को आपने जेल भेज दिया, लेकिन सुमित सोनकर जो हमारा साथी था, एक अधिवक्ता था, क्या उसकी मृत्यु गंभीरता का विषय नहीं था? तो विपक्ष आपके साथ नहीं खड़ा होगा क्या, आपको ये लगता है? विपक्ष कभी नहीं, आपने देखा नहीं जितने भी माफियाओं पे कार्रवाई हुई विपक्ष इस मुद्दे पर आइए कि अगर आपको लगता है कि अगर इस मसले पर आपके प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा तो ये खड़े नहीं होंगे। इस मसले पे भी कार्रवाई हो रही है इसीलिए विपक्ष को पीड़ा हो रही है। विपक्ष विवेक जी, क्या आपको पीड़ा हो रही है क्या कार्रवाई से, दर्द हो रहा है आपको? ये सदन में मुझे तो लगता है कि कार्रवाई द्वेषपूर्ण हो रही है, कार्रवाई हो कहाँ रही है? योगी आदित्यनाथ को क्रिकेट खेलते हुए अपराधी नहीं दिखाई देते हैं जिनका लुकआउट नोटिस जारी होता है, लेकिन ये कार्रवाई की बात करेंगी? मतलब साफ पढ़े लिखे लोग जब झूठ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो हास्यप्रद दृश्य देखने जैसा होता है। मैं मान सकता हूँ कि जिसकी डिग्रियां संदिग्ध है वो आसमान में हाथ हिला सकता है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग बैठ करके झूठ परोसे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो वाकई राम भरोसे ही है उत्तर प्रदेश, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था, और उत्तर प्रदेश की स्थिति को दुर्गति में ले जाने वाले ये बुद्धिजीवी, मुझे लगता है कब इनकी आंखें खुलेंगी, जब तक ये खुद घटना के शिकार न हो जाए, ईश्वर न करे। ठीक है देखिए विवेक जी, अगर इस प्रकरण पर जैसा कि शबनम जी कह रही है कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तो सपा हमारे साथ इसमें भी नहीं खड़ी होगी, अगर बुलडोजर चलता है न्याय संगत होता है तो शबनम जी जैसा कि आपने कहा न्याय संगत होगा तो बुलडोजर भी चलेगा, अगर बुलडोजर चलेगा तो विवेक जी क्या आपको एतराज है क्या, क्या कहीं पीड़ा है आपको? मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, शबनम जी का स्टैंड बताएगा कि हम उनके साथ खड़े हैं कि नहीं। एक जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का चीरहरण किया था खुलेआम, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला उस सांसद प्रतिनिधि और सांसद के घर पे, भाजपा के थे वो। दूसरा, हमारे एक कार्यकर्ता मोनू दुबे के घर के बाहर की सड़क उखाड़ दी गई थी, वो किस आधार पे उखाड़ी गई थी, क्या उन्होंने उसको रोक करके अपने किसी का, मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं, भाजपा के नेताओं द्वारा जो संपत्तियां अवैध रूप से कब्जा की गई है क्या उस पे योगी आदित्यनाथ की हिम्मत है बुलडोजर चलवाने की? मैं आपको नाम देने के लिए तैयार हूं,
चलिए मैं चुनौती देता हूं शबनम जी को, मैं भाजपा के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम उजागर करूंगा, आप डिबेट रख लीजिएगा, मैं आपके साथ डिबेट करूंगा बैठ करके, मैं एक एक नाम खोलूंगा कितनी संपत्ति वो बताऊंगा। आप बुलडोजर चलाने की चुनौती को स्वीकार करिए, मैं आपका समर्थन देता हूँ, समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। चलिए बोलिए शबनम जी से पूछ लीजिए, हम तैयार खड़े हैं। देखिए आपको भी सत्ता मिली थी, आप कार्रवाई करते, आप निष्पक्षता के साथ, देखिए बात गोल गोल घूमने लगी, देखिए जलेबी तैयार कर दी इन्होंने, मैंने सीधे हाँ या ना में सवाल पूछा, मैं भाजपा नेता हूँ की आपको जानकारी दूंगा, बुलडोजर चलवाने की हिम्मत है हाँ या ना बताइए, हम साथ खड़े हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लोगों की चिंता करते, ऐसा नहीं होता, आज जब कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं होता, लेकिन विपक्ष के लोगों पे योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलवाना है। अरे जाइए पहले अपनी कार्यप्रणाली को सुधारिए, संशोधित करिए पहले कार्यप्रणाली को। पुलिस विभाग में जो पुलिस सुरक्षा देती है वो खुद आत्महत्या कर रही है, उसकी महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, वो खुद विभागीय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, विभाग के अंदर उनके साथ ही यौन शोषण हो रहा है, उन लोगों ने कानपुर में तो लेटर लिख के उजागर किया इस बात को, इनके राज में महिला बच्चियां कहां सुरक्षित है, इनके सांसद हरिओम पांडे ने क्या कहा था, इनके सांसद हरिओम पांडे ने क्या कहा था, उन शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता यहां पे। गायत्री रघुराजन को भूल गई क्या, गायत्री रघुराम ने क्या कहा था, भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माफ कीजिएगा शबनम जी बड़ी बहन हमारी, लेकिन आज मैं इनके वक्तव्य को देख के इसलिए दुखी हूँ क्योंकि एक बुद्धिजीवी जब बैठ करके पार्टी लाइन पे झूठ बोलता है और अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता तो ये कबीले वाली व्यवस्था का हिस्सा वो भी बता। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हुए अपने महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लेकिन देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो सख्त है लेकिन अपराधी मस्त कैसे हैं, सवाल ये बड़ा है क्योंकि खुले खुले मंचों से और सार्वजनिक मंचों से ये कहा जाता है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन अब सवाल जब विपक्षी दलों ने पूछा कि क्या इस मसले पर भी अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये वो वाक्य है जिसने सबको झकझोर दिया है। मध्य प्रदेश की वो तस्वीरें अभी भी सबके जहन में जिंदा है, किस तरीके से पेशाब कांड हुआ जिसके बाद खुद मध्य प्रदेश के सीएम ने पीड़ित को अपने घर बुलाया, उसको अपने बगल में बिठाया और ये एहसास कराया कि नहीं, समाज का हर एक तबका बराबर है, किसी के साथ भी अपराध होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा ही वाक्य एक बार मेरठ में देखने को मिला, चूंकि मेरठ में जिस छात्र के साथ ये वाक्य हुआ है वो महज 12वीं का छात्र है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी शायद ये नेता ये पुलिस कर्मी समझ नहीं पा रहे हैं, यही वजह है कि इस मसले पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन अब सवाल पूछा जाएगा शासन पर बैठे उन हुक्मरानों से जिनके ऊपर होती है लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो चुनाव के टाइम पर तो ये दावे और वादे बड़े बड़े मंचों से करते हैं कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में है, लेकिन जब वाकई जनता को उनकी जरूरत होती है, जब वाकई जनता को सुरक्षा की जरूरत होती है तो उन्हीं प्रशासन की तरफ से जो लापरवाहियां बरती जाती है वो तो काबिले तारीफ होती है, जैसा कि इस मामले में हुआ, किस तरीके से जो रिपोर्ट है उससे छेड़छाड़ की गई, पीड़ित के पिता का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाया ही नहीं, पुलिस ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो उसके बाद उस रिपोर्ट से छेड़छाड़ की है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि महज एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। 16 नवंबर का यह पूरा मामला है, आज तकरीबन 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, बाकी बचे अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी, क्या यही है रामराज।